और आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट में कि आप लोग दोस्तों स्वागत है आप लोग के एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और अभी हो रहा है टाइम 4 बज रहा है और मेरे हस्बैंड सोए रहते हैं, इसीलिए मैं अभी देखी शाम को एक बार और पोछा झाड़ू कर ली, झाड़ू पोछा कर लिए हैं बाहर को। अभी मेरा काम है, देखिए इतना बर्तन है और दोपहर में पानी नहीं आ रहा था तो मैं बर्तन नहीं धोई थी, तो बर्तन अभी धोती हूँ, फिर मेरे को जाना पड़ेगा दुकान। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे ना बाजू में रहती है आंटी, उसका फ्रेंड आया है, देखिए कैसे खेल रहा है खेल रहा है वासु, नया फ्रेंड मिला है उसको, तो खेल रहा है वो अपने फ्रेंड के साथ, वो दूसरा का गन ना अपना पकड़ के खेल रहा है। ये बाजू में रहती है ना आंटी, उसका रिलेशन का कोई लड़की आया है तो उन लोग के साथ खेल रहा है मस्त। आज बहुत बिजी है, आंसू तो नहीं आ रहा है। पापा फोन किए थे और अभी हम जा रहे हैं मार्केट, वो फोन किए थे, बोले नीचे आएंगे, नीचे आना, तो इसीलिए जा रहे हैं। और आंसू देखिए रो रहा है, तो जा रहे हैं नीचे। और हम लोग अभी है सेकंड फ्लोर में, तो थोड़ा अंधेरा है, आंसू को गोदी लेके जा रहे हैं, आंसू के पापा नीचे है तो हमको बुलाए कि आना, देखिए कितना अंधेरा है। बाप रे आ गए जी, आ गए, चलो मार्केट जा रहे हैं, बोलो मार्केट जा रहे हैं। मेला घूमने जाएगा आंसू? मेला लगा है बैंगलोर में, मेला लगा है ना, खोलो। तो गाड़ी में बैठा है देखिए आंसू, मजा आ रहा है आंसू गाड़ी में ना, गिर जाएंगे जी, इतना पतले दुबले हैं, हवा में उड़ जाएंगे हम दोनों, है ना आंसू। गन्ना जूस पी रहा है यहाँ पे, है ना आंसू? और अभी मैं सांभर बनाऊंगी तो इसीलिए देखिए सांभर पाउडर लाए हैं, ये हिरवा बोलते हैं इसको हमारे छत्तीसगढ़ी में, जो स्प्राउट वाला है। तोरई लाए, भिंडी, आज सब्जी ना फ्रेश नहीं था मार्केट में, तो ये 10-10 रुपये जो वो लोग ऐसा करके बेचते हैं ना वो वाला लाए। और टमाटर 1 किलो, लहसुन ख़त्म हो गया, लहसुन लाए, इसमें धनिया है और साग है, इसको आज बनाएंगे। सो दोस्तों देखिए मैं बना रही हूँ जो स्प्राउट वाला है, ये इसका नाम मेरे को पता नहीं बट हम लोग हिरवा बोलते हैं, और सेम का दाल। तो मैं कुछ अलग ही सब्जी बना रही हूँ आज, और इसमें डालने के लिए हम पेस्ट बनाएंगे जो कि मूंगफली, कड़ी पत्ता, हरा मिर्च, इमली और धनिया का पत्ती डाल के। तो फिर यहाँ पे मैं रख दी हूँ गर्म होने के लिए तेल कुकर में, और डाल देंगे तड़के के लिए राई, और फिर इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता जो गाँव में बोलते हैं मीठा नीम का पत्ता, कर्नाटक में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हर सब्जी में, तो डालने से ना पूरा खुशबू बहुत अच्छा आता है इसका। और मैं बना रही हूँ आज थोड़ा गांव से अलग सब्जी, हमारे गांव में ऐसा नहीं बनता है हिरवा का सब्जी, मैंने पहली बार देखा था इधर कर्नाटक में, तो अब मैं भी बनाती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है इसका रेसिपी। तो यहाँ पे प्याज डाल दिए हम, और इसको भून लेंगे थोड़ा सा, तो मैं पेस्ट नहीं बनाई थी तो यहाँ पर इसको पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पेस्ट बन के रेडी हो गया, और हम जो भून रहे थे प्याज उसमें डाल देते हैं दाल, और दाल को भी एक बार अच्छा से ढक के भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि जब विसिल लगाएंगे ना सीटी लगाएंगे कुकर में तो अच्छा से पक जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा भूनने के बाद हम डाल दिए टमाटर, और टमाटर डालने के बाद हम डाल देंगे नमक, नमक डालने के बाद इसको ढक्कन लगा देंगे, और मैं टमाटर हमेशा बीच में डालती हूँ, इससे बहुत अच्छा से पक जाता है। तो ढक्कन निकाल के देखे टमाटर, देखिए अच्छा से पक गया, इसको अच्छा से चला लेंगे, ऐसे मेल्ट कर लेंगे। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर, और मैं मिर्ची पाउडर कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मसाला पीसे हैं जो पेस्ट उसी में मिर्ची पाउडर है। और यहाँ पे डाल रहे हैं हम सांभर पाउडर, सांभर पाउडर मेन है, सांभर पाउडर नहीं रहेगा तो टेस्ट नहीं आता है। तो सांभर पाउडर मैं स्वास्तिक का यूज़ करती हूँ, कर्नाटक में बहुत सारे ब्रांड के मिल जाते हैं, आँची का भी मिलता है, MTR का भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ये वाला मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो यही मसाला यूज़ करती हूँ। और अच्छा से मसाला भूनने के बाद हम जो पेस्ट बनाए थे वो पेस्ट यहाँ पे हम डाल दिए, और ये पेस्ट को भी अच्छा से भूनना है, अगर जो पेस्ट बनाए हैं ना उसको भूनेंगे नहीं तो मूँगफली जो है वो कच्चा कच्चा टेस्ट आता है, इसीलिए भून लिए। भूनने के बाद हम इसमें
पानी डाल देंगे और मैं यहाँ पे 3 ग्लास पानी का यूज़ कर रही हूँ। फिर लगा देंगे कुकर का ढक्कन और 2-3 सीटी आने तक, 3-4। बहुत रो रहा है कि मैगी खाऊंगा बोल के रो रहा है, उनके घर से उठा के ले आया। देखिए मुझे बनाना पड़ रहा है मैगी, इतना ज़िद्दी करता है ना पूछिए मत। कि मैगी बना रहे हैं, टमाटर डाले हैं, कुछ नहीं डाले हैं बस। देखिए उसके लिए बना रहे हैं, हिप्पी है मैगी नहीं है, हिप्पी है। और देखिए हमारा सांभर बन के रेडी हो गया। मैंने 4 से 5 सीटी लगाया क्योंकि ये जल्दी से नहीं पकता है, ये वाला जो सेम का दाल है वो। तो देखिए 4 से 5 सीटी लगाया और तेल पूरा ऊपर ऊपर आ गया है, मैं ज़्यादा तेल नहीं डाली हूँ फिर भी। तो देखिए दोस्तों मेरा सब्जी यहाँ पे रेडी हो गया, और आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आप लोग ऐसे सब्ज़ी बनाते हो कि नहीं। देखिए धनिया भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। देखिए कैसे आंसू मैगी खा रहा है, इसको भूख लग रहा था बहुत इसीलिए। और देखिए यहाँ पे मस्त डांस कर रहा है आंसू, उसका कनाडा वाली फ्रेंड मिली है इसको। कनाडा सॉन्ग में डांस कर रहा है ना आंसू। टिकटॉक मारती दे रही प्रेशर कांड। हम लोग का खाना बन गया है, और ये देखिए यह कनाडा वाली दीदी, मतलब छोटी सी बच्ची है, दीदी नहीं, ये बाजू में आई है कनाडा वाली माता। हाय हेलो, हाय हेलो, हाय। ये कनाडा में बात करती है, इसको हिंदी नहीं आता है, बाजू में रहती है तो आई है घूमने के लिए। बताइए आंसू भाग रहे, उसके पीछे मैं भाग रही हूँ खाना खाने के लिए, खाना नहीं खा रहा है पता है। मैं ना परेशान हो गई, आंसू को बुला रहे हैं, आंसू आ ही नहीं रहा है खाना खाने के लिए, बहुत नाटक कर रहा है, भाग रहा है यहाँ से वहाँ, क्या करें, इसीलिए मैं खा रही हूँ। क्यों भाग रहे हो, खा लो खाना, चलो। खाना खा के आए हम लोग ऊपर, थोड़ा सा वॉकिंग करने के लिए ऊपर में आए हैं, अभी जस्ट खाना खाए हैं, और चंद्रमा आज नहीं निकला है, और पानी फिर से बह रहा था टैंक का, इसीलिए देखिए भरा है पूरा, नहीं गंदा हो, अभी कपड़ा पहना है, ठीक है। देखिए दोस्तों रात का 10 बज गया है, 10 से ज़्यादा, और आंसू सो नहीं रहा है, इसको लोरी सुना रहे हैं। उधर बच्चा आया है ना तो बोल रहा है कि मैं उन्हीं लोग के साथ रहूँगा, नहीं सोऊंगा बोल के, कितना रोया है देखिए देखिए, क्या करूँ, और ना रोते बेटा ना रोते। दोस्तों इतना परेशान कर रहा है ना आंसू, बहुत रो रहा है पता है, मैं इतना देर से गोदी में रख के उसको लोरी सुनाए, सो जाएगा बोल के, देखिए कैसे रो रहा है। नहीं इसको सोना नहीं है, आज उधर खेलने जाना है, बताइए मैं क्या करूँ, इतना देर से गोदी में उठा के सो जा बेटा सो जा बोल रहे हैं। देखिए 2 साल का बच्चा है, बहुत छोटा है क्या, इतना परेशान कर रहा है मेरे को, देखिए सो भी नहीं रहा, सो जा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस यही तक, मैं आंसू को सुला रही हूँ, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।